हाँ भैया, तो एग्जांपल नंबर 21 देखो। फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू साइन टू एक्स। देखें, देखो बेटा हमको इसका डेरिवेटिव निकालना है साइन टू एक्स का। अब सबसे पहले आप ये देखो, इसको करने का क्या अलग अलग तरीके हैं। ट्वेल्थ वाला भी तरीका है, एक और अभी का तरीका है, ट्वेल्थ में भी कर सकते हैं। सबसे पहले आप एक बात बताओ, अगर आपको इसे लिखना हो साइन टू एक्स को, क्या आप टू साइन एक्स कॉस एक्स लिख सकते हैं? ये साइन टू एक्स का फॉर्मूला है, इतना सोचो मत। 11th क्लास में ही बताया आपको साइन टू एक्स, टू साइन एक्स कॉस एक्स बताया बेटा। डेरिवेटिव करेंगे, एफ डैश लगा लेंगे। मैंने बताया था कॉन्स्टेंट तो बाहर आ जाता है, और डी ओवर डी एक्स किस पे आ जाएगा? साइन एक्स कॉस एक्स। बच्चों प्रोडक्ट रूल लग जाएगा, फर्स्ट फंक्शन सेकेंड फंक्शन। चलिए फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ d over dx of second function plus second function और d over dx of first function। बेटा sin x का तो sin x रहेगा, लेकिन cos x का minus का sin x होता है, और sin x का क्या होता है? minus cos x, only plus का cos x। बच्चों minus का sin square x हो जाएगा और plus का cos square x हो जाएगा। बेटा अगर इसको मैं सीधा करके लिखूं तो क्या लिख सकता हूं? cos square x minus sin square x। और सब बच्चे जानते हैं इसकी एक आइडेंटिटी होती है, cos 2x। बहुत बढ़िया, तो ये फाइनली क्या आ गया? 2 cos 2x। पक्का सबको समझ में आया? चलो तो पहले ये नोट कर लो, इसका दूसरा तरीका भी मैं आपको बताता हूँ। देखो दूसरा बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं था, ये पहले नोट कर लो। चलो तभी बताता हूँ। लगना इसमें क्या है क्वेश्चन टू, 1/10 करोगे तो भी दो बार ले जाएगा है, तब भी एक आंसर तो एक ही बात है, वो अपॉन में ले जाएंगे ना फिर भी। हां चलो बेटा क्वेश्चन टू बताओ, डिनोमिनेटर डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन अपॉन साइन स्क्वायर बेटा नीचे है, आता है डिनोमिनेटर स्क्वायर आता है, इसलिए इसको फॉर्मूले में लेंगे। अच्छा फॉर्मूला देखो, फॉर्मूले में cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? माइनस sin x, और यहां पे ये sin x का डिफरेंशिएशन cos x, वही सेम हो गया। हां भाई ये आपका क्या हो गया? माइनस का माइनस का cos स्क्वायर x। बेटा थोड़ा तो लगाएगा कुछ तो, क्योंकि मैं दोनों में ना, हाँ नहीं होगा, नहीं होगा, मैं दोनों में से माइनस कॉमन ले रहा हूँ बेटा, तो sin स्क्वायर x प्लस का cos स्क्वायर x हो जाएगा। और इसकी आइडेंटिटी तो मैं समझता हूँ कि 10th क्लास के मूर्ख बच्चे को भी आती होगी। sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर क्या होता था? 1। कोई तो भाई, ये तो मूर्ख बच्चे को भी आती होगी। ठीक है, माइनस 1/sin है, और sin स्क्वायर का उल्टा क्या होता है? बस बेटा यही इसका डिफरेंशिएशन होता है, cot x का माइनस cos x। सही है, चलिए नोट कर लीजिए ये सेकंड पार्ट खत्म। देखो एग्जांपल नंबर 22 क्या निकालना है इसका डेरिवेटिव। बेटा इसमें भी क्या लगेगा पता ही है आपको? फार्मूला f डैश x, दी फार्मूला जो है क्वेश्चन रूल। ठीक है, डिनोमिनेटर मैंने आपको एक और बात बताई थी, d over dx ना लिखो आप, तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, जिसका डिफरेंशिएशन करते हो उस पर डैश लगा सकते हो। बताया था कैसे ही कर सकते हो, माइनस न्यूमरेटर डिफरेंशिएशन ऑफ साइन अपॉन साइन स्क्वायर, डैश लगा दिया बेटा साइन स्क्वायर साइन एक्स, क्या 5x⁴। अच्छा कैसे? इसका डिफरेंशिएशन ही तो है, x टू द पावर n से कंपेयर करो, n x टू द पावर n माइनस 1, 5x टू द पावर 2। बेटा cos x का डिफरेंशिएशन क्या होगा? माइनस sin x, और ये पहले से माइनस है तो प्लस का sin x हो जाएगा। बच्चों ये as it is रहेगा, और बेटा sin x का डिफरेंशिएशन कितना है?
cos x, ठीक है। बेटा इसका मल्टीप्लाई इसमें कर लो, 5x टू द पावर 4 प्लस sin स्क्वायर x, sin x sin स्क्वायर x, x टू द पावर 5 और माइनस माइनस प्लस cos स्क्वायर x। नितिन बेटा हमको पता ही है sin स्क्वायर x और cos स्क्वायर x क्या होता है, 1। तो बेटा इन दोनों को तो यहां पे लिख देंगे, ठीक है, और ये प्लस का वन हो जाएगा अपॉन में। बच्चों आप ज्यादा से ज्यादा इसमें x टू दी पावर 4 इन दोनों में से कॉमन ले सकते हो, नहीं भी लोगे तो भी चलेगा, इतना कोई आर्डन बात नहीं, ये आपका आंसर आता है भाई। और उन्होंने भी नहीं लिया है, इतना लिख के छोड़ दिया है, ठीक है, बुक में भी यही आंसर नोट कर लीजिए। मैं इस वाले sin x की जगह हम cos x भी रख सकते हैं सर, सॉरी इसमें हम जैसे बोलता तो और नहीं लेते हम, मजे वाली बात अलग है वो तो देखो इसको और देखो बस बेटा डिफरेंशिएशन हो गई, डेरिवेटिव निकालेंगे क्या लग जाएगा इसमें, क्वेश्चन टू क्या आएगा, डिनोमिनेटर डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस एक्स प्लस कॉस है बेटा, चलो और नीचे चलो x का कितना 1 cos का माइनस sin x माइनस बेटा ये ऐसे ही लिखा रहेगा, tan x का डिफरेंशिएशन कितना बताया था मैंने, cos cos sec स्क्वायर x, tan x का डिफरेंशिएशन कितना बताया था sec स्क्वायर x, कुछ याद नहीं रखते हो तुम लोग, डायरेक्ट लिख दो, हां बेटा डायरेक्ट ही लिखा जाएगा, 1 कैसे आया सर ये, अरे x का 1 होता है ना, और cos x का sin होता है माइनस साइन एक्स होता है, मल्टीप्लाई करो, चलो टेन एक्स वन जर माइनस साइन एक्स टेन एक्स माइनस एक्स सेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉस एक्स सेक स्क्वायर एक्स अपॉन बेटा इस टेन को तो टेन लिखा है तुम कुछ नहीं कर सकते, और देखो करने को तो इसका भी कुछ नहीं, इसको sin upon cos लिख लोगे जैसे का तो sin into sin कितना हो जाएगा sin square x, और upon में cos जाएगा वो ऊपर जाके क्या बन जाएगा cos sec, common नहीं ले सकते सर, हां sec कहां है common, tan tan common ले लेते, अच्छा तो common से होगा क्या, इसको लिख लिया sin upon cos sin into sin sin square, नीचे जो cos था ऊपर जाके sec बन गया, ये यहां पे x sec square x आ गया, और बेटा इस sec square को अगर नीचे लिखे तो 1 upon cos square होगा, एक cos से cos कट जाएगा तो नीचे क्या बचेगा cos, उस cos को फिर से ऊपर ही ले आओ sec, तो cos into sec हो जाएगा, हां अच्छा sec से sec कट गया, कट गया ना, ये ही खत्म हो गया बस, sec की जगह हमने 1 upon cos रखा और cos से cos कटा तो फिर 1 बचा ना, अरे बेटा ये cos into sec स्क्वायर है, sec स्क्वायर क्या होता है, 1 upon cos एक ही तो कटेगा, फिर से cos को ऊपर ले आएंगे, ठीक है, किताब में तो यही आंसर छोड़ दिया है, आप यहाँ तक कर लो, ठीक, चलिए खत्म हो गया बस, किताब पहले तो नहीं